हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आज आपके लिए गोल्डन फर्न प्लांट लेके आई हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये गोल्डन फर्न प्लांट है। इसमें कई सारे टाइप्स आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि बॉस्टन फर्न है, मिनिएचर फर्न है, क्रिसमस फर्न है। तो आज मैं आपको इस गोल्डन फर्न के बारे में इन डिटेल में बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, एक ब्यूटीफुल पहाड़ी इलाके वाला पौधा है। इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, फर्न्स को सनलाइट बहुत पसंद है फ्रेंड्स, पर इसे इनडायरेक्ट सनलाइट अगर आप इसे दे सके तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आप इसे डायरेक्टली सनलाइट में रखोगे तो फिर इसके जो टिप्स है या फिर इसकी जो लीव्स है ये जल जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है हमें कि हमें इसे जितना हो सके उतना शेडेड एरिया में रखना है। अब अगर इसके सॉइल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसे वेल ड्रेन मॉइस्ट सॉइल पसंद है। जैसे कि इसका प्रपोर्शन मैं बता देती हूँ आपको, 25% सॉइल लीजिए, देन 25% सैंड लीजिए, 25% कोकोपीट और 25% कोई भी कंपोस्ट लीजिए। तो ये आपकी बहुत अच्छे से वेल ड्रेन सॉइल बन जाएंगी, जो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब जब इसके वाटर के बारे में बोला जाए तो इसे रेगुलर पानी देना पड़ता है फ्रेंड्स। अब ये भी आपके पॉट के ऊपर डिपेंड है या फिर आपने किस एटमॉस्फेयर में इस प्लांट को लगाया है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना पानी देना पड़ता है। जैसे कि आप इस गार्डन में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाई हुई है जिसमें हमने प्लांट को लगाया है। ये देखिए, एक छोटा प्लांट है और इसे हमने इस तरह की मिट्टी में लगाया है और लाइक अ पॉट जैसे इसकी डिज़ाइन की है। और इसी तरह से हमने पूरे एक वॉल जैसे इसको बनाया है और इसकी पूरी डिज़ाइनिंग की है। तो इसके हिसाब से हमें इसके एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है कि हम इसे कितना पानी दें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि समर के दिनों में हमें इसकी ज़्यादा स्पेशल केयर लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी को ये पौधा सह नहीं पाता, तो इससे में हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पेड़ों के बीच में रखना पड़ता है, तो इससे इस प्लांट को ह्यूमिडिटी मिलेगी। या फिर हम इसे किसी बड़े पेड़ की छाया में भी रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस प्लांट को हमने इस ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं आती, पूरी तरह से छाव में है ये प्लांट। और इसके बाजू में बहुत सारे प्लांट्स हैं, इसके ऊपर भी जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ा सा प्लांट है जिसकी छाया में वे पूरे फर्न के प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं। तो बस उतना केयर हमें लेना है कि इसे डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए ताकि इसके पत्ते अच्छे से आए। और समर में हम इस प्लांट के लिए मल्चिंग भी कर सकते हैं। अगर हमने इसको किसी पॉट में लगाया है तो हम इसे मल्चिंग भी कर सकते हैं उस पॉट को। हम इसे मॉस ग्रास या कोकोपेट से भी मल्चिंग कर सकते हैं या फिर किसी भी लाइव प्लांट से भी हम इसकी मल्चिंग कर सकते हैं, या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है लाइक झड़े हुए पत्ते या फिर स्टिक्स, इससे भी हम मल्चिंग कर सकते हैं। इससे आपके पॉट में मॉइस्चर बना रहेगा और जो भी पानी देंगे हम प्लांट को वो ज़्यादा इवेपरेट नहीं होगा, तो इसलिए जो भी हमारी मिट्टी है वो हर वक्त मॉइस्ट रहेगी। फ्रेंड्स, अगर हम फर्न्स को पॉट में लगा रहे हैं तो इसे ज़्यादा टॉल पॉट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके रूट्स जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं होते। उससे अच्छा अगर आप इसे वाइड पॉट में लगाओगे तो ये बहुत अच्छे से फैलेगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कितने अच्छे से ग्रो किया है इसने और कितना अच्छे से फैल गया है, पूरी वॉल को या फिर जो भी हमने बनाया है इस पॉटिंग इसके लिए उसको पूरी तरह से इसने कवर कर लिया है। अब जब इसके फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, फर्न्स को ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। इस प्लांट को अगर आप 3 महीने में एक बार फर्टिलाइजर दें तो भी चलेगा, आप इसे काउडंग या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ओवर फर्टिलाइजर देने से इसकी जो टिप्स है वो ब्राउन होती है, इसलिए इसे बैलेंस फर्टिलाइजर देने चाहिए। तो जब भी आपके फर्न की टिप्स अगर ब्राउन होने लगी है तो बस समझ जाना है आपको कि इसे ओवर फर्टिलाइजर्स हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सब है इसके फर्न्स के फर्टिलाइजर्स के बारे में या फिर इसे कौन सी लोकेशन, सॉइल और वाटरिंग के बारे में। तो आप इस प्लांट को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपने गार्डन में ज़रूर इसे लगाइएगा, इसे बहुत अच्छा लुक आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो जब तक के लिए डोंट बी मीन, जस्ट गो ग्रीन। बाय बाय।